Non-Stop 100. जेएनयू की तरह ही पश्चिम बंगाल के मशहूर जाधवपुर यूनिवर्सिटी में गूंजे देश विरोधी नारे, जुलूस निकालकर छात्रों का विरोध। जाधवपुर विश्वविद्यालय से दक्षिणी कोलकाता तक निकाली गई मशाल रैली, लेफ्ट संघ के छात्रों ने लिया मार्च में हिस्सा। देशद्रोही नारेबाजी में नया ट्विस्ट, जेएनयू के रजिस्ट्रार का दावा, खुद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बनवाया था वीडियो। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में हुई घटना की रिपोर्ट तैयार की, 9 फरवरी को उमर खालिद की अगुवाई में 80 से 100 छात्र हुए थे एकत्र। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में छात्र नेताओं का जिक्र, लिखा कन्हैया कुमार, अनिर्बन भट्टाचार्य, उमर खालिद, आशुतोष लगा रहे थे देश विरोधी नारे। पुलिस की रिपोर्ट में डीएसयू और डीएसएफ संगठन का जिक्र, लिखा देश विरोधी और गैर सामाजिक हरकतों में लिप्त हैं संगठन। पुलिस की रिपोर्ट में डीएसयू और डीएसएफ संगठन पर देश विरोधी हरकतों में शामिल होने का खुलासा, अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता रहा है संगठन। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर जश्न मनाता है ये संगठन, दुर्गा पूजा के दौरान महिषासुर दानव की पूजा। दिल्ली पुलिस का खुलासा, संगठन के सदस्य हॉस्टल की मेस में करते हैं बीफ बनाने की मांग, पुलिस के मुताबिक संगठन से जुड़े हैं 19 लड़के। जेएनयू टीचर संघ का हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का ऐलान, आज से कॉलेज में फिर शुरू होंगी क्लासेस। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की आज खत्म होगी पुलिस कस्टडी, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। जेएनयू विवाद पर केजरीवाल, पीएम मोदी को उन्होंने लिखी चिट्ठी, निर्दोषों का उत्पीड़न रोकने और बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर कार्रवाई की मांग। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर छात्रों को पीटने वाले बीजेपी विधायक का दावा, जवाबी हमले में की थी पिटाई, कहा बंदूक होती तो गोली मार देता। श्रीनगर में देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों के समर्थन में निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद ने बुलाई रैली। बजट सत्र से पहले आज कैबिनेट की अहम बैठक, लंबे वक्त से फंसे बिलों को पास कराने पर बनेगी रणनीति। पीएम नरेंद्र मोदी आज मंत्रियों के कामकाज पर लेंगे रिव्यू मीटिंग, महकमों से जुड़े कामों और प्रोजेक्ट्स की प्रगति की रिपोर्ट पर चर्चा। दिल्ली में आज राहुल गांधी ने कांग्रेस के तमाम जिलाध्यक्षों की बुलाई बैठक, शहरी इलाकों में पार्टी और संगठन की मजबूती पर चर्चा। दिल्ली सरकार के 100 करोड़ के विज्ञापन मामले की आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, कांग्रेस ने फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। अरुणाचल मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिले कांग्रेस नेता, मामले में हस्तक्षेप की मांग। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन में देरी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का तीखा हमला, कहा बीजेपी और पीडीपी की वजह से राज्य में राजनीतिक संकट, दोनों में एक भरोसे की कमी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान, 3 साल के अंदर सरकार सभी चुनावी वादों को करेगी पूरा। 12 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में चला एनडीए का सिक्का, 8 सीटों पर कब्जा, यूपी में समाजवादी पार्टी को झटका। दिल्ली की खराब ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस सख्त, नियम तोड़ने पर 20,000 लोगों का किया गया लाइसेंस रद्द। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में भारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा को किया निश्चित, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज नहीं चलाने पर चला। महाराष्ट्र सरकार का बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा, 1.5 महीने में राज्य में 124 किसानों ने की खुदकुशी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में अकेले 20 किसानों ने की खुदकुशी, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल महाराष्ट्र में 15,978 किसानों ने की खुदकुशी। मैनेजमेंट कोटा को लेकर दिल्ली सरकार की अपील, हाईकोर्ट में खारिज, इसी साल से प्राइवेट स्कूलों को कोर्ट के तहत सीटें देने की छूट। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत, लाठीचार्ज में कई कांग्रेसी घायल। आरक्षण की मांग कर रहे जाटों का सोनीपत में हल्ला बोल, प्रदर्शनकारियों का दावा, मांग मानने तक सड़क पर ही डटे रहेंगे आंदोलनकारी। उत्तराखंड में पौड़ी में सरकार के दावों की खुली पोल, 13 बच्चों के स्कूल में 9 टीचर्स की तैनाती। पूर्व फौजियों को वन रैंक वन पेंशन की स्कीम के तहत मिलने वाली पहली पेंशन 29 फरवरी को होगी जारी।
चांदीपुर से स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण, 1000 किलो तक भार उठा सकती है पृथ्वी 2 मिसाइल। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार मीणा का तबादला, अंडमान और निकोबार भेजे गए, 1 अप्रैल को होंगे रिलीज। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी प्रेमनाथ का मिजोरम ट्रांसफर, सुनंदा पुष्कर रियान स्कूल में बच्चे की मौत और जेएनयू मामले की कर रहे थे जांच। 1990 बैच के आईपीएस ज्वाइंट सीपी तेजेंद्र लूथरा को दिल्ली से भेजा गया चंडीगढ़। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंद्र का भी गोवा तबादला, राजधानी में नई ट्रैफिक व्यवस्था पर बनाया था ब्लूप्रिंट। गृह मंत्रालय ने 24 आईपीएस अफसरों का किया तबादला, लंबे समय से दिल्ली में तैनात थे अफसर। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में बेकाबू कार नहर में गिरी, हादसे में ड्राइवर की मौत, रात की वजह से रेस्क्यू में हुई परेशानी। घंटों की मशक्कत बाद नहर से निकाली गई कार, रेस्क्यू में पुलिस, दमकल, डिजास्टर मैनेजमेंट और बोट क्लब की टीम लगाई गई। मुंबई के कल्याण में 8वीं की छात्रा के साथ गैंग रेप, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के अटारी में पुलिस ने लुटेरों के गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार, टूरिस्ट को बनाते थे निशाना। पुलिस ने गिरोह के पास से 7 मोटरसाइकिल और तेज धार हथियार किए बरामद, वाघा बॉर्डर से रिट्रीट देखकर वापस लौट रहे थे लोग, लेकिन इनको निशाना बनाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की छत गिरी, हादसे में 35 मजदूर जख्मी, 8 की हालत नाजुक। बिजनौर में सिलेंडर फटने से ढह गई आतिशबाजी की दुकान, 5 की मौत, 3 जख्मी, 4 के दबे होने की खबर। यूपी के बलिया में 4 दिन से गायब 10 साल की मासूम बच्ची का शव खेत से बरामद, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजस्थान के उदयपुर में एक ट्रक से विस्फोटक की बड़ी खेप बरामद, चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक से अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पकड़ा। पुलिस ने विस्फोटक के साथ 270 कट्टे भी किए जब्त, ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने नवजात बच्चों के तस्करों के गिरोह का किया भंडाफोड़, गिरोह में 3 महिलाएं भी शामिल। मेरठ में एक नामचीन स्कूल की 6ठी क्लास की छात्रा रहस्यमयी तरीके से गायब, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर जंगल में आग लगने से करीब 50 एकड़ जंगल जलकर खाक। गुजरात के सूरत में एक प्रिंटिंग मिल में लगी भीषण आग, करोड़ों का माल जलकर हुआ खाक। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर प्रेमी जोड़ों से उगाही का नया मामला सामने आया, शिकायत के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बर्धवान में सरस्वती विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट, काबू करने गए 3 पुलिस वाले घायल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए 2 बाइक सवार, हादसे में दोनों की मौत। ग्रेटर नोएडा में पार्क में खेल रही 2 साल की बच्ची के साथ रेप का सनसनीखेज मामला आया सामने, पीड़ित लड़की अस्पताल में दाखिल, आरोपी फरार। मुंबई के बोरीवली में कंस्ट्रक्शन के दौरान हुआ हादसा, बांस की बल्लियां खुलने से 7 मजदूर और 1 महिला घायल। राजस्थान के धौलपुर में प्रशासन की मुस्तैदी से नाबालिग की शादी रुकी, परिवार वालों को पुलिस की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया, दहेज न देने पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश। बिहार के मोतिहारी में पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला को लगाया एचआईवी पॉजिटिव इंजेक्शन, पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। कर्नाटक के बेलगाम में मिनी ट्रक में ब्लास्ट, ट्रक पर था केमिकल से भरा सिलेंडर। बिलासपुर में हाईकोर्ट के पीछे निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, करीब 10 लोगों के दबने की खबर। जयपुर में एंटी करप्शन विभाग का छापा, पीएचडी छात्र से फेलोशिप के लिए घूस मांगते रंगे हाथ प्रोफेसर को पकड़ा। फरीदाबाद में दबंगों ने पेड़ में बांधकर की 2 युवकों की पिटाई, ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने का आरोप लगाया। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में यूपी पुलिस से कांस्टेबल की दादागिरी, पहले टक्कर मारी फिर स्कूटी सवार को पीटा। दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर पर बदमाशों ने स्कूटी सवार को मारी गोली, घायल की हालत नाजुक। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में चोरों ने की एक साथ 3 ठिकानों पर चोरी, सीसीटीवी में दर्ज हुई वारदात।
पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में मासूम से हैवानियत, 2 साल की बच्ची को पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार। अलवर में ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव, दुकानदार को जबरन थाने में बंद करने पर नाराज लोग। समस्तीपुर में अपराधियों ने 2 लोगों को अत्याधुनिक हथियारों से भूना, मरने वालों में आरजेडी के बाहुबली नेता का भाई। जमुई में नक्सलियों का उत्पात, बीएसएनएल के मोबाइल टावर को लगाई आग। पीटर मुखर्जी पर चलेगा शीना बोरा के कत्ल और सबूत मिटाने का मुकदमा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल। 52 गवाहों से पूछताछ के बाद दाखिल हुई सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 19 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे पीटर। जयपुर में एंटी करप्शन विभाग का छापा, पीएचडी छात्र से फेलोशिप के लिए घूस मांगते रंगे हाथ प्रोफेसर को पकड़ा। हावड़ा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों का भड़का गुस्सा, हंगामा और तोड़फोड़ की। 24 परगना में डॉक्टर्स के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गैर हाजिर रहने पर हंगामा, लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। पश्चिमी मिदनापुर के मेटा बाजार इलाके में सीपीएम टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, 5 घायल। त्रिवेंद्रम में विधानसभा परिसर के भीतर नारियल के पेड़ पर चढ़ा शख्स, पेंशन और वेलफेयर स्कीम की मांग। मुंबई में फिल्म नीरजा की स्क्रीनिंग में उमड़ा बॉलीवुड, करण जौहर ने कहा सोनम कपूर ने किया करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मुंबई में फिल्म नीरजा की स्क्रीनिंग के बाद बोले आमिर, इस फिल्म से बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में स्थापित होंगी सोनम। अभिनेता रणविजय सिंह का खुलासा, कहा लगातार 7 साल तक ठुकराई बिग बॉस की पेशकश। ग्रैमी अवार्ड में पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट का जलवा, एल्बम ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीती। एक बार फिर अनुष्का शंकर के हाथ से फिसला ग्रैमी अवार्ड, वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में 5वीं बार नामांकित हुई थी अनुष्का। ब्रिटेन के सांसद रॉबर्ट जॉन ब्लैकमैन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को बताया भारत का हिस्सा, कहा पाकिस्तान को तत्काल छोड़ना चाहिए पीओके। जेएनयू विवाद हर घंटे बड़ा होता जा रहा है और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने पूरे विवाद में केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि हर विश्वविद्यालय में आरएसएस अपने लोगों को वीसी बना रही है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की।